ये वीडियो मेरी उन बहनों के लिए है जो अपने भाई को खो चुके हैं। मुझे हमेशा से गर्व था और रहेगा अपने देश के जवानों पर जो दिन रात बॉर्डर की रक्षा करते हैं बिना अपने परिवार के बारे में सोचे। 18 नवंबर 2018 का दिन था जब कमांडो ज्योति प्रकाश निराला जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ कर रहे थे। चारों तरफ गोलियां चल रही थी और अपनी जान की परवाह किए बिना ज्योति प्रकाश खुद अकेले आतंकवादियों के झुंड में चले गए और लश्कर ए तैयबा के सरदार को वहीं ढेर कर दिया। लेकिन इस दौरान उन्हें कई गोलियां लग गई थी और वो शहीद हो गए। उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। चार बहनों के एकलौते भाई, लेकिन एक मां के लिए उसका बेटा और एक बहन के लिए उसका भाई से ज्यादा प्यारा कुछ नहीं होता है। शहीद ज्योति प्रकाश निराला अपने परिवार के लिए अकेले बेटे थे। उनकी चार बहनें थी। आपको बता दें कि इनका परिवार काफी गरीब था और शहीद निराला ही एकमात्र कमाते थे और उनकी शहादत के बाद तो जैसे परिवार में दुख की बादल छा गया था। कुछ ही दिन में ज्योति प्रकाश की एक बहन थी जिसकी शादी की तैयारी हो चुकी थी, लेकिन दुविधा में यह था कि शादी का खर्च कैसे पूरा होगा। वो कहते हैं ना, जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं तो भगवान कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है, और हुआ ही कुछ ऐसा ही। शहीद ज्योति प्रकाश की बहन के शादी के लिए उनके ही रेजिमेंट के सभी गरुर कमांडो ने 500 रुपया इकट्ठे किए और वो कुल राशि हुआ 5 लाख। ये सब इनका सब कमांडोज ने अपने साथी ज्योति प्रकाश को श्रद्धांजलि देने के लिए किया। हालांकि सरकार ऐसे वीर सैनिकों के लिए, परिवार के लिए काफी कुछ करते हैं, लेकिन आम जनता को भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वे कम से कम साल में अपनी आय का कुछ ना कुछ हिस्सा शहीद परिवार वालों को जरूर भेजे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। आपका कमेंट्स, आपका सुझाव हमारे लिए बहुत मूल्य है। आपका बहुत मूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, एंड स्टे ट्यून्ड विद KGD।